लर्नेटिक ऐप किस कक्षा के बच्चों के लिए है या विद्यार्थियों के लिए है? 8 से 12, 9 से 12, 6 से 12 या फिर 6 से 10? स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के द्वारा दिसंबर 2020 में दो एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया था। पहला था लर्नेटिक ऐप और दूसरा था आपका डीजी स्कूल। दोनों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग इसका आंसर दीजिए कि यह किस कक्षा से किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह ऐप था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे झारखंड जीके एंड करंट अफेयर का क्लास नंबर 14। सारा चीज आपको पता ही है, पीडीएफ आपको @lernersgaijeducation टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और बाकी जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर दे दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और रिविजन प्रॉपर आपको करते रहिए, जितना पार्ट आपको आया है सारा का सारा। तो वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग झारखंड जीके के आज होगा क्लास नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, खोटा संकलन मेघदूत के रचनाकार कौन है? बोला जा रहा है कि यह मेघदूत के रचनाकार कौन है या खोटा भाषा में लिखित है। झारखंड के डैश जिले में झरनों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसीलिए इसको जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। तो कौन वह जिला है? धनबाद पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि धनबाद जो है से पूर्व मध्य रेलवे किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अभी नीरज सिन्हा नहीं है, वह चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। इनका अपॉइंटमेंट देख लीजिए, फरवरी 2023 में हुआ है। 99 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो क्या किसी को नाम उनका पता है? नीरज सिन्हा अभी नहीं है, जो पहले थे पुलिस निदेशक, ठीक है ना। इनको आप लोग डीआईजी बोलते हैं, ओके। या मतलब बोलिए कि पुलिस का जो सबसे हेड होते हैं वह डीआईजी होते हैं किसी स्टेट में। सफाड़ो आंदोलन 1874 में हुआ था, भगीरथ मांझी के द्वारा लीड किया गया था। इसका संबंध किस जनजाति से है? अगर पता होगा कि मांझी किस गोत्र में आता है तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। उसके बाद आता है अंडी और ओपोर तिपी विवाह का एक प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है, आपको बताना है। रांची स्थित जो पहाड़ी मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भारत का एकमात्र भेड़ियों के लिए जो आरक्षित अभयारण्य है वह लातेहार में है, उसका नाम क्या है जरा ये बताइए। अंजन धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो वार्षिक वर्षा होता है वह कितना होता है, यानी कितना से कितना सेंटीमीटर तक है? और झारखंड के दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? ओरिका का भारतीय विस्फोटक कारखाना यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है से कहाँ पे स्थित है? और विकास भारती के सचिव के रूप में काम करने वाले अशोक भगत पद्म श्री 2015 में इनको मिला था, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इतना आपको 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आता है आप लोग जरूर लिखिएगा। जैसे कि 10/13 आया तो 10/13 आप लोग जरूर लिखिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। आइए अब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, तो कब कौन सा अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह 53वां कांग्रेस का सेशन था और यह अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है से इसको बोल सकते हैं कि प्रिसाइड किया गया था। और यह ध्यान रखिएगा झारखंड में एकमात्र अधिवेशन है इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे अबुल कलाम आजाद, वही इसको जो है से लीड किए थे। और इसमें देखिएगा तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके जो है से विरोध में जैसे प्रस्ताव पारित यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मार्च 1940 में हुआ था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कब हुआ था? तो मार्च 1940 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, रामगढ़ जिले में हुआ था और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, ठीक ना, अबुल कलाम आजाद। दोनों में डिफरेंस है काफ़ी, जमीन आसमान का अंतर है। महात्मा गांधी देखिए 1940 में अंतिम बार झारखंड आए थे। ये न्यूज़ इसीलिए इन्फॉर्मेशन इसीलिए यहाँ पर डालना पड़ा क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन में पहली बार अंतिम बार यहाँ झारखंड में महात्मा गांधी आए थे। तो ये कुछ अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में डिस्कस कर लेते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। 1917 से लेकर 1940 के बीच में कुल 12 बार झारखंड आए थे महात्मा गांधी। पहली बार 4 जून 1917 को आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट से मिलने आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ देख लीजिएगा तो यह हजारीबाग से इसको अलग किया गया था और खूंटी को रांची से अलग किया गया था। इन लोग दोनों जैसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं। 12 सितंबर 2007 को इन लोगों को कार्ब्ड आउट किया गया था, 23वां और 24वां जिला बना था, ओके। रामगढ़ जिला का कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रामगढ़ जिला जैसा कि पता होगा गठन हुआ था 12 सितंबर 2007 को, इसमें सब डिवीजन आपको एक ही देखने को मिलेगा। कुल गांव की संख्या 364 है, ब्लॉक की संख्या इसमें 6 है, कुल ग्राम पंचायत उसमें 126 है और लिंगानुपात यहाँ का 921 है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात होगा 948, ठीक है, चलिए। और इंडिया का है 943। आगे देख लीजिएगा इसका कुल क्षेत्रफल जो रामगढ़ जिले का है वह 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 708 है, जनसंख्या घनत्व रामगढ़ जिले का अलग दिया गया है, ऐसे झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको इंडिया का देखने को मिलेगा, इंडिया का जनसंख्या घनत्व भूल गया, इंडिया का नहीं बोला हूँ, 382 है, ओके,
चलिए, कभी कभी माइंड से उतर जाता है, 382 है। उसके बाद कुल साक्षरता यहाँ पे रामगढ़ जिले में 73.17% है मेल, 83.51% और 63.49% फीमेल का है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो सबसे छोटा जिला रामगढ़ ही है, ओके। और रामगढ़ आपको पता होगा कि रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था, राजधानी उनका सिसिया था, ठीक है, देख लीजिएगा। 1368 था डेट। रामगढ़ राज्य का नाम जो है से दलेल सिंह के पिताजी राम सिंह उनके नाम पर है, और दलेल सिंह ने अपनी राजधानी 1617 में रामगढ़ जो है से स्थानांतरित किए थे। राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड देख लीजिएगा, रामगढ़ ही था, रामगढ़ है। तो रामगढ़ छावनी जो है से झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना। और इसके यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। गांधी घाट, रामगढ़ में एक गांधी घाट भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा गांधी घाट है, और ये आपको दामोदर नदी किनारे रामगढ़ में देखने को मिलेगा। ये ना ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है, ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित है गांधी घाट। जामा मस्जिद भी यहाँ पे रामगढ़ में है, जो कि 1617 में निर्मित किया गया था चितरपुर में, और बिजुलिया तालाब रामगढ़ में है। रजरप्पा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और रजरप्पा जलप्रपात, और दोनों ऐसे भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर है। रानी सती देवी का मंदिर भी आपको बिजुलिया तालाब के निकट रामगढ़ में देखने को मिलेगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं, रामगढ़ का रहा ये लोकेशन, ठीक है। इसको हजारीबाग से काट कर बनाया गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, और खूंटी को रांची जिले से अलग किया गया था, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। और रांची जिले से दो डिस्ट्रिक्ट और अलग किए गए थे, आपको याद आ रहा है 1983 में, कौन कौन सा आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एक था लोहरदगा का और एक था गुमला, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, और सारा चीज़ देखिए आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट रहने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड है ये मैं टेलीग्राम पर ना जो है से पिक्चर के फॉर्म में इसको शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग इसको देखते रहेंगे तो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको मैं शेयर भी करते रहता हूँ, और जो वर्ल्ड एनर्जी के होता है उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ओके ना। क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब आपको नंबर 1 नंबर 2 के फॉर्मेट मिलेगा, तो आराम से उसको आप लोग रीड कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट जरूर रहिएगा, ओके। ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट डेली जो है टाइम वहाँ पर व्यतीत कीजिए, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो झारखंड का ना 14वां स्थान है। आइए कुछ डेटा देख लेते हैं, आज डेटा काफी ज्यादा है, इसलिए आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा। देखिएगा राज्य में जो कुल जनसंख्या है वह देखिएगा 3,29,88,134 था, ओके ना। और भारत में हमारा जनसंख्या के हिसाब से 14वां स्थान है, 2.72% आता है टोटल जनसंख्या का, झारखंड में 2.72% जैसे जनसंख्या यहाँ पे होता है। कुल क्षेत्रफल हमारा देखिएगा तो 79.716 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर इसको 79.70 लाख हेक्टेयर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में हमारा हमारा जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से 15वां स्थान है, और हमारा जो सॉरी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 15वां स्थान है, और क्षेत्रफल है हमारा 2.42%। ये डेटा इतना ज़्यादा मतलब आपको बारीक डेटा है ना कि आपको ना याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ओके। मुझे तो बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ था। अब देखिए कुछ रिलेट देखिए इन्फॉर्मेशन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला आपको रांची देखने को मिलेगा, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। झारखंड में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है धनबाद का है, 1316 के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसे पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, 1103-6 के आसपास बोला जाता है, डेटा थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे मिलेगा। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है। ये सारा होता है किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो लिविंग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ प्लेस बोल सकते हैं, या फिर स्टेट बोलिए, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बाकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो झारखंड में सिमडेगा है, 159। ये डेटा सब झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके ना, सिमडेगा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिएगा सबसे बड़ा जिला जो आता है वो पश्चिम सिंहभूम आता है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला रामगढ़, जो कि शायद पहले भी डिस्कस किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। सबसे साक्षर जिला यानी कि बोल सकते हैं कि वह जिला जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वह है रांची, 76.06%। और सबसे कम जो साक्षर जिला है वह पाकुड़ है ना, पाकुड़ पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना। तो 48.42% हो गया, और यहाँ पर रांची का इतना है, और पूरा झारखंड का 64 पॉइंट देखिएगा तो 40 लगभग 41% बोला जाता है, पूरा झारखंड का जो है इतना लिटरेसी रेट है, ध्यान रखिएगा। आगे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या धनबाद का है, लगभग 50% से ज़्यादा लोग जो है से धनबाद में रहते हैं। और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है उसका डेटा मेरे पास नहीं है, आपके पास है तो बताइएगा, इसको मैं सर्च कर रहा था मुझे मिला नहीं, अब मिल जाएगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे अधिक अगर लिंगानुपात वाला जिला देखिएगा तो पश्चिम सिंहभूम है ना, 1105 जो है से आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा, तो इसमें पॉजिटिव है। नॉर्मली देखिएगा तो जितने भी लगभग प्लेस डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट आता है उसमें लिंगानुपात 1000 से कम रहता है, लेकिन एकमात्र यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है झारखंड में जिसका लिंगानुपात है 1000 से पार है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे हो गया।
और सबसे कम लिंग अनुपात धनबाद में है, यहाँ पे 909। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला जिला देख लीजिएगा पश्चिम सिंहभूम है, और सबसे कम वन वाला जिला जामताड़ा है। अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला जो है वह आपको चतरा देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वही फॉरेस्ट देखिएगा तो लातेहार है। सारा देख लीजिएगा ना, कहने का मतलब सबसे अधिक वन, वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो वन है पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाई पूछेगा तो लातेहार में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। फिर ऐसे सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला कौन सा है तो चतरा। तीनों क्वेश्चन को याद रखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। और सबसे कम वाला वन वाला जिला है जामताड़ा। ठीक है, देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट और ट्री कवर इन झारखंड है 0.08%, और फॉरेस्ट का जो करेंट में देखिएगा परसेंटेज है झारखंड में वह 29.76% है। ठीक है, ये सब डेटा को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संथाल परगना को अति प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नारीखंड, मानवर्जिका, कुकरा या फिर पुंडरीक देश। तो इसको ना नारीखंड के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को। संथाल परगना को देख लीजिएगा, इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे डिटेल में। ओके ना, डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, 6 डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे। देखिएगा संथाल परगना को एक झलक देख लीजिए, कुल जिले इसमें 6 आते हैं, देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा। ओके ना, ये सब देख लीजिएगा, कभी कभी जैसे छाटने के लिए भी दे देगा कि गोड्डा जो है से किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक क्वेश्चन तो बताइए कि रांची जो है से किस परमंडल में आता है। ठीक ना, नॉर्थ छोटा नागपुर या फिर साउथ छोटा नागपुर। चलिए क्वेश्चन इजी कर दिया, नॉर्थ या साउथ बता दीजिए सर कि किस जो है से परमंडल में आता है। हेडक्वार्टर इसका दुमका है, दुमका जो है से एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लिखा हुआ है दुमका, और यह झारखंड की उपराजधानी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको जामताड़ा देखने को मिलेगा संथाल परगना में। संथाल परगना में संवाद की जो पहली भाषा है, क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, अंगिका है, और अंगिका भाषा इंडो आर्यन भाषा समूह से बिलोंग करता है। भाषा समूह आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको मैं ट्रिक दिया था इंडो आर्यन का BANS, और कुछ याद कर लीजिएगा PK2। आइए कुछ बताते हैं, बी से भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी और सादरी, इतना तो बताया था। उसके बाद यहाँ से आता है पी से पंचपरगनिया, के से खोरठा और एक के से कुरमाली। ऐसे याद देखिएगा, पी से पंचपरगनिया, के से खोरठा और के से कुरमाली। तो ए जो है से यहाँ पे इतना भाषा बता दिया, यहाँ पे 4 और 4 8 सब जो है से इंडो आर्यन भाषा समूह से है। जो कुड़ुक भाषा है ध्यान रखिएगा, वह जो है से द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है। संथाल मुंडारी ये सब भाषा जो संथाली मुंडारी भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। साहिबगंज में एक विलेज है आपको पता होगा, भोगनाडी गांव। ठीक है ना, हुल क्रांति से जो है से यह जैसे बिलोंग करता है। 30 जून 1855 को हुल दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, संथाल रेवेन भी आप लोग बोलते हैं, 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। और संथाल परगना में ही दामिनो कुह आया था राजमहल क्षेत्र में 1824 में। इसका मैं आपको बताया था कि पर्पज़ क्या था, तो इसको जो है संथाल परगना क्षेत्र को अंग्रेजी हुकूमत के जो है से अधीन लाना था। राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का निवास स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ हो गया संथाल परगना के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा नारीखंड। तो संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नारीखंड कहा जाता था, इसको देख लीजिएगा। संथाल परगना को एंशियंट टाइम में नारीखंड कहा जाता था, और अलग अलग झारखंड का नाम देखिएगा अलग अलग टाइम में। जैसे महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरीक देश कहा जाता है झारखंड को। मुगल पीरियड में इसको छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खुकरा प्रदेश यूज हुआ है। ऋग्वेदिक पीरियड में कीकर प्रदेश हुआ है जो कि गिरिडीह प्रदेश के लिए आया था। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलेगा संथाल परगना रीजन को, उसको आपको कजंगला कहा गया है। और मौर्यन पीरियड में हरिसेना प्रयाग प्रशस्ति भी बोलेगा तो देख लीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में मौर्यन मुरौंड देश कहा गया है छोटा नागपुर प्रदेश के लिए। तो ये सब डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा चीज़ हो गया सर, देख लिया आपने संथाल परगना डिवीजन यहीं पे है। टोटल 5 जो है से परगना देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा है आपका नो छोटा नागपुर, और सबसे आएगा आपका पलामू। ठीक है ना, एरिया वाइज। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो रिजगढ़ आपको रोहतासगढ़ देखने को मिलेगा, वर्तमान में अभी बिहार में देखने को मिलेगा। आइए मुंडा जनजाति से लेकर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, पता होगा संथाल आता है, उरांव, फिर मुंडा, उसके बाद हु, इस तरह से कुछ होता है। और ये लोग तिब्बत से आए थे कहा जाता है, और इनकी भाषा मुंडारी जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा मुंडारी लोग कथाएं कुछ बुक है, जगदीश त्रिगुनायत काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और मुंडा एंड देयर कंट्रीज SC रॉय यानी कि शरदचंद्र राय के द्वारा जो है से लिखा हुआ 2 बुक हो गया। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बात कीजिएगा तो यहाँ का जो मुखिया होते हैं वो मुंडा कहे जाते हैं, पुजारी होते हैं वह पाहन कहे जाते हैं, ग्राम पंचायत का जो संदेश वाहक होता है वह महतो होता है, और पंचायत का जो वकील होता है उसको लाल कहते हैं। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो चुका है, सारा चीज़ देख लीजिएगा। रिजगढ़ किस स्थान से बिलोंग है करता है? तो यह रोहतासगढ़ मुंडा परंपरा का यह स्थल है। इनमें से कौन सा एक स्थल झारखंड में एक ताम्रपाषाण साइट का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर कुनार हो जाएगा।
उसके बाद करह बड़ी, बदम, रामगढ़, ये सारा जो है से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सब ताम्रपाषाण साइट है लेकिन कुनार यहाँ पे नहीं है। आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। झारखंड में जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का जो केंद्र था वह सिंहभूम था। सिंहभूम देखिए पहले ना 1990 से पहले इसको सिंहभूम कहा जाता था, बाद में जो है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम हुआ, और कब हुआ ये भी आज पता चल जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कोल्हान डिवीजन के बारे में काफ़ी डिटेल में आज देखने वाले हैं। इस युग में हजारीबाग में हड़प्पा वासियों को टीन आयात के यहाँ से निर्यात किया जाता था हजारीबाग रीजन से, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन क्या निर्यात किया जाता था, तो टीन निर्यात किया जाता था। ताम्रपाषाण युग इनका संस्कृति केंद्र था सिंहभूम, ध्यान रखिएगा, ओके। और कुनार एक जो है से ताम्रपाषाण साइट नहीं है झारखंड में, कटहरी, उसके बाद बदम और रामगढ़, याद रखिएगा ताम्रपाषाण साइट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, प्ले एंड पे, पे एंड प्ले, पे एंड यू गो, प्ले एंड बिल एंड प्ले फॉर द नेशन, इसका होता है पे एंड प्ले, तो यह योजना है पे एंड प्ले, देख लीजिए। आइए कुछ योजनाएं हैं, पे एंड प्ले योजना 2017 का, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था कुछ योजना, वेद व्यास आवास योजना 2016 में लॉन्च किया गया था और यह मछुआरों को आवास देना इसका पर्पस था, मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 का है, ठीक है ना, जन वन योजना, उसके बाद योजना बनाओ अभियान 2016 में आया था रघुवर दास का टाइम में, साइकिल वितरण योजना झारखंड में 2002 में शुरू किया गया था, इसी ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा बहुत सारा योजना देखिएगा, इसी सारा पार्ट रिवाइज करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत सारा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, जितना योजना देखिएगा मैं किसी न किसी पार्ट में कवर कर चुका हूँ, तो 13 के 13 पार्ट आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा और PDF रख लीजिए, रिविजन प्रॉपर करते रहिए। इतना सारा हो गया देख लीजिएगा, पे एंड प्ले है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, प्ले एंड पे नहीं है, पहले पे आता है। निम्नलिखित में से गलत कथन की आप लोगों को पहचान करना है, टूसु पर्व में विवाहित कन्याएं रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का फ्रेम बनाती है और नदी में विसर्जित करती है। दूसरा है सोहराई और वंदना कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, मतलब ये बोला गया है कि वंदना कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, या दोनों पशुओं का त्यौहार है। जावा बोला गया है यहाँ पे पर्व अच्छी उर्वरता और परिवार की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। रोहिणी पर्व बुआई के समय मनाया जाता है, यानी उस समय जिसमें फसल बोया जाता है उस समय, और यह संभवतः झारखंड का पहला पर्व है रोहिणी पर्व। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें स्टेटमेंट गलत है बताइए, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ टूसू पर्व में विवाहित कन्याएं नहीं होती है अविवाहित होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ था, ओके ना, तो यहाँ पे विवाहित नहीं अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और टूसू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, इसी ध्यान रखिएगा। पौष माघ से शुरू होता है और माघ पौष से शुरू होता है महीना से और माघ तक पहुंच जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, इसीलिए माघ में मकर संक्रांति आता है तो उससे यह कनेक्ट हो जाता है, ओके। तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे अविवाहित होना चाहिए। जावा भी अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स के द्वारा ही मनाया जाता है। सोहराई देख लीजिएगा और वंदना, ठीक ना, वंदना पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, इसी ध्यान रखिएगा। और दोनों यह पशुओं का त्यौहार है, और सोहराई कोवर पेंटिंग जो कि हजारीबाग से निकल कर आया है उसको GI टैग झारखंड में दिया जा चुका है। एक जादो पटिया पेंटिंग है वह आपको दुमका रीजन से निकल कर आया है, उसको याद रखिएगा जादो पटिया, और जो पेंटिंग बनाता है उसको जादो कहा जाता है। कुछ देख लीजिएगा, हल पुनिया पर्व है वसंत ऋतु में मनाया जाता है। भक्ता पर्व यह बुढ़ा बाबा की पूजा की जाती है और तमाड़ रीजन में यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चांडी पर्व देखिएगा माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा और यह पुरुषों का त्यौहार है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। दूसरा बात है, अगर किसी फैमिली में अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उस फैमिली का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चांडी पर्व की यह विशेषता है। सेंद्रा पर्व एक शिकार पर्व है, ध्यान रखिएगा, सेंद्रा के साथ साथ एक जनी शिकार, नाम बताया था ना, जनी शिकार ये भी एक शिकार का पर्व है, और जनी शिकार पर्व 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात मनाया जाता है। और साथ ही साथ एक पर्व है देसावली, देसावली भी 12 वर्षों के पश्चात ही मनाया जाता है। देसावली में तो आपको बताया था इसमें देवभूत की पूजा की जाती है और इसमें काड़ा की बलि दिया जाता है, काड़ा मतलब मेल बुफैलो, ओके ना। सेंद्रा पर्व याद रखिएगा, सेंद्रा देखिए केंद्रा, कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है, कभी कभी मुझसे ना सेंद्रा निकल जाता है, तो केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहते हैं, ठीक ना, सेंद्रा को नहीं, सेंद्रा एक शिकार पर्व है, सबको याद रखिएगा। जनी शिकार देशावली दोनों 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात मनाया जाता है। जनी शिकार में महिलाएं जो है शिकार करती हैं पुरुष का वेश धरकर। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ खेला था, तो यह न्यूजीलैंड था, ठीक ना, सबका आंख में आंसू आ गया होगा, न्यूजीलैंड हुआ था, टीम देख लीजिएगा, रनआउट किया गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देख लीजिएगा, पहला इनका ODI तो मैच था 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। पहला शतक जो लगाया गया था वो पाकिस्तान के खिलाफ लगाया गया था 2004 में, पहला मैच खेला गया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद ना,
यहाँ पे डाल दूंगा। T20 इंटरनेशनल है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे। पहला टेस्ट जो खेला गया था श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया था। अंतिम ओडीआई मैच इंपोर्टेंट रहेगा, जुलाई 2019 में वर्ल्ड कप चल रहा था, न्यूजीलैंड ठीक ना के खिलाफ थे, रन आउट हो गए थे, आपको पता होगा ठीक है। उसमें कितना रन बना चुके थे महेंद्र सिंह धोनी, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, झारखंड के सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी किस ऐप के जरिए बनाई जाती है। ई फिंगर ऐप, ई विद्यावाहिनी ऐप, ई शिक्षा ऐप या फिर ई अटेंडेंस ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा यह ई विद्यावाहिनी ऐप है, उसी पर जैसे सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अटेंडेंस लिया जाता है। अटेंडेंस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, काम आएगा ठीक है। चलिए आइए कुछ नॉलेज बूस्टर हम देख लीजिएगा। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण ऐप एंड पोर्टल है ना, पोर्टल तो लिया नहीं हूँ, सिर्फ ऐप ही है, आइए देख लेते हैं। पहला तक आता है विद्यातन ऐप। तो विद्यातन ऐप जो है से यह शिक्षा ऐप है और यह सेंट जेवियर्स छात्र के जो है से विद्यार्थी जो है से इसको लॉन्च किए थे। इसमें अलग अलग जो है से भाषा पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। नीचे आता है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है से प्रवासी मजदूर का डेटा को इकट्ठा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। दूसरा बात है, क्वेश्चन एक बार बन चुका था कि जो गरीबी उन्मूलन का कार्य है वह कौन सा ऐसे बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है से देखरेख करती है, मतलब कौन सा जो है से इसको उन्मूलन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा डिपार्टमेंट, तो ग्रामीण विकास विभाग याद रखिएगा ठीक है। अरे तो आप लोग PWD सुने हैं ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। लर्नेटिक ऐप जो आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ जो शुरू में पूछा था। लर्नेटिक ऐप को देखिएगा, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है और एक जो है से डीजी स्कूल जो है से ऐप है, या कक्षा 1 से लेकर 8 तक है ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के द्वारा दोनों ऐप को लॉन्च किया गया था 2020 में ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रज्ञम ऐप है, 30 मार्च 2020 को लाया गया था लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए। ई पास समझ रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ ना आवश्यक जो है चीज़ होता है, जैसे कि दूध हो गया, मेडिसिन्स हो गया और वेजिटेबल्स हो गया, तो ये सब के लिए ना पास दिया जा रहा था कि आपको एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना होगा तो पास लेना पड़ता था, उसी के लिए जैसे प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट एक रेरा ऐप है। रेरा क्या होता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपको पता होगा कि रियल इस्टेट क्या होता है तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। यह जो है बिल्डरों की सुनवाई करने के लिए है। और द टीचर ऐप, लॉकडाउन में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए द टीचर ऐप को लॉन्च किया गया था। एक आता है क्रिकेट टूर ऑफ ऐप ना, या क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेट टूर ऑफ ऐप है, महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा और एक पर्सन है मिहिर दिवाकर, उन्हीं के द्वारा जो है से क्रिकेटर को कोचिंग देने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। यह पर्सन रिलेटेड है झारखंड से, महेंद्र सिंह धोनी, तो यह ऐप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधिक सेवा ऑप ऐप, ये झालसा है ना, झारखंड जो कीगा लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। निशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता आपको दिया जाएगा। निशुल्क यहाँ पे ना वर्तन इसका गलत है, नहीं होता है ना शुल्क। आगे जो है से पोस्ट इन्फो ऐप है, ऑनलाइन डाक सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी, आपके खाते के बारे में जानकारी देगी, आपका पोस्ट ये सब कहाँ है, ये सब के बारे में जानकारी के लिए पोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है से ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी ऐप। डिक्शनरी ऐप केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक ना, यानी कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि रांची में है, इसको याद रख सकते हैं, एकमात्र है। इसमें असुर, बिरजिया और बिरहो जनजाति के लिए जैसे भाषाओं के लिए आपको देखने को मिलेगा, उसका यह डिक्शनरी था। डिक्शनरी होता क्या है, एक भाषा दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन, यही होता है डिक्शनरी। और नेक्स्ट आता है शक्ति ऐप, यह झारखंड पुलिस के द्वारा जो है से लॉन्च किया गया था, महिला सुरक्षा के लिए है ठीक है। बताइए कैसा जिंदगी आ गया, महिला को सुरक्षा देने की जरूरत पड़ रहा है, वो भी तो इंसान ही है। ई विद्यावाहिनी ऐप इसका आंसर हो गया। बाकी सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है। असुर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, बिरजिया का मतलब होता है जंगल का मछली और बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड का नवगठित प्रमंडल कौन सा, यानी कि सबसे मतलब नया जैसे प्रमंडल कौन सा है, 5 प्रमंडल पहले आप देखते होंगे ओके ना, तो सबसे नवगठित प्रमंडल कौन सा है, तो है आपका कोल्हान प्रमंडल ना, इसको देख लीजिएगा, देख लीजिए। आइए कोल्हान प्रमंडल के बारे में डिटेल में देखते हैं। 2003 में जैसे इसका गठन किया गया था, 2003 में आया, इसमें कुल जिले 3 देखने को मिलेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। आइए कुछ देख लेते हैं डिटेल। पहले तीनों जिलों जिला था वह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत आता था, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा जिला इसमें पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिलेगा ओके ना, एरिया वाइज भी सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम भी है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का जो गठन हुआ था 16 जनवरी 1990 को, और पश्चिमी सिंहभूम जिले दोनों का गठन हुआ था 16 जनवरी 1990 को ही। इसमें देखिएगा, पुराना सिंहभूम के 9 ब्लॉक को लेकर जो है बनाया गया था पूर्वी सिंहभूम को, और जब पश्चिमी सिंहभूम बना तो उसमें 23 ब्लॉक को लेकर जैसे बनाया गया था,
वर्तमान में 11 ब्लॉक है पूर्वी सिंहभूम में और 18 ब्लॉक है आपको पश्चिमी सिंहभूम में, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 16 जनवरी 1990 को सिंहभूम को काटा गया था और उसमें 9 ब्लॉक लिया गया, पूर्वी सिंहभूम बनाया गया और पश्चिमी सिंहभूम को 23 ब्लॉक दिया गया था, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरायकेला खरसावां जिले गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ, ठीक है, यही गड़बड़ हो गया है, मतलब रामगढ़ खट्टी का यहाँ पे आ गया, गलत हो गया यहाँ पे। 2001 में इसको ना गठन किया गया था, सॉरी, तो सरायकेला खरसावां जिले गठन 2001 में किया गया। इसमें ना पश्चिम सिंहभूम जिले के 8 ब्लॉक को लेकर इसको गठन किया गया था और वर्तमान में इसके 9 ब्लॉक हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो ये सब कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो गया कुल्हान परमंडल के बारे में, 2003 में इसका गठन किया गया था। सारंडा फॉरेस्ट आपको इसी परमंडल में देखने को मिलेगा, लेकिन यह किस जिले में है, हो सकता है दोनों जिले में भी हो, ठीक है, तो बताइए कि सारंडा फॉरेस्ट जैसे किस जिले में है। जमशेदपुर देखने को मिलेगा, घाटशिला देखने को मिलेगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आपको इस परमंडल में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर इसका चाईबासा है, कहीं डाला हुआ है कि नहीं है, नहीं है तो डाल दिया जाएगा, हेडक्वार्टर इसका चाईबासा हो जाएगा इस परमंडल का। अब आते हैं वलैंड जी के, जो कि होगा नंबर 5th, इसको डिटेल में देखते हैं, जो कि आपसे शुरू में पूछा गया था। तो कितना मार्क्स आया आप लोग मैच कर लीजिएगा, बताते तो आप लोग हैं नहीं। पहला क्वेश्चन था खोटा, खोटा को याद रखिएगा, यह एक इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और झारखंड में देखिएगा तो पहला जो भाषा है राजकीय भाषा वह हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा में खोटा है, जी नहीं, 16 भाषाएं हैं उसमें एक खोटा भी है, ठीक है, चलिए 16 भाषा है, पहला हिंदी। नेक्स्ट आता है देख लीजिएगा यहाँ पे, तो खोटा जो संकलन था मेघदूत उसका रचनाकार जो है श्रीनिवास पानूरी हैं, तो श्रीनिवास पानूरी जी को याद रखिएगा। झारखंड के रांची जिले को सिटी ऑफ वाटरफॉल बोला जाता है क्योंकि बहुत सारा वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, धनबाद पूर्व मध्य रेलवे है यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे बोला जाता है, हाजीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है धनबाद, ठीक है। झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह हैं, नीरज सिन्हा आप चेंज हो चुके हैं, देख लीजिएगा इनका अपॉइंटमेंट 2023 में हुआ है, 99 बैच के IAS अधिकारी हैं। सपाउड आंदोलन 1874 में हुआ था, भगीरथ मांझी के लीड किए थे और इनका संबंध संथाल जाति से है। जो आप लोग मांझी देख रहे हैं ना, मांझी होता है, हेम्ब्रम होता है और मुर्मू, ये सब जो गोत्र आता है, टोटल 12 गोत्र होता है संथाल जनजाति में, तो ये जो गोत्र आता है वह सब संथाल जनजाति का है, तो यह संथाल जनजाति का एक विद्रोह था। अंडी और ओपोर लिपि, यह विवाह का प्रचलन आपको हो जनजाति में देखने को मिलेगा और संथाल जाति में जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, बापला, सबसे फेमस कौन है, क्रिंग बापला, ध्यान रखिएगा। तो हो जनजा और अंडी और ओरोपतिली विवाह का प्रचलन हो जनजाति में है और हो जनजाति में वधु मूल्य समझ रहे, एक तरह का दहेज होता है उसको गोनोम कहा जाता है ना, गोनोम याद आया, आ रहा है या भूल गए, गोनोम कहा जाता है और संथाल जाति में पोन कहा जाता है, पोन। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर का निर्माण पूरन मल के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा पूरन मल, भारत का एकमात्र भेड़िया के लिए जो अभयारण्य है वह है महुआ डांड अभयारण्य, यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आंजन धाम गुमला में देखने को मिलेगा, ठीक है, वहीं से जहां से एल्बर्ट टेका बिलोंग करते हैं, ओके ना। झारखंड में वार्षिक जो वर्षा है वह अंतराल है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है औसत झारखंड में। सबसे वर्षा वाला स्थान आपको जो है से जिला है वह साहेबगंज देखने को मिलेगा। निश्चित है आपको झारखंड के दीपसेन गुप्ता शतरंज से हैं और शतरंज से यह ग्रैंड मास्टर बने थे 2017 में, झारखंड के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और यह चेस से रिलेटेड है शतरंज। ओरिका का भारतीय फिजफोटा कारखाना इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, यह आपको बोकारो में देखने को मिलेगा और बोकारो किस नदी किनारे है ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। निश्चाता है और लास्ट होगा, विकास भारती के सचिव के रूप में काम करने वाले जो अशोक भगत हैं उनको पद्मश्री 2015 मिला था और यह सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको पद्मश्री 2015 में दिया गया था। तो आज क्लास को इतना ही समाप्त करेंगे, ना तो मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ SI का और ना ही आज करंट अफेयर रहेगा क्योंकि मेरे पास आज समय नहीं बचा था और लेक्चर देखिएगा आज इतना लेट से आपका आ रहा है। तो वीडियो कैसा भी लगता है आज देखिएगा तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, ये डेटा आपको याद रखना होगा। झारखंड जी के ऐसे ही ऊपर से पढ़ते चले जाइएगा तो नहीं होगा, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन आया है, डिस्ट्रिक्ट का देखिएगा तो एरिया तक पूछ दिया गया है, कितने ब्लॉक है ये सब भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा झारखंड जीके का, ओके। तो डेटा के अगर व्यू से देखिएगा तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो एक क्लास दो क्लास के बराबर होगा, तो इसको PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, ओके। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, एक लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वंदे भारतम, जय हिंद।